वेलकम टू पारुल्स किचन एंड मोर। आज हम बनाने वाले हैं बनाना हेल्दी आइसक्रीम। जी हाँ, इसमें ना तो हमें कोई क्रीम चाहिए, ना ही कोई कंडेंस मिल्क, और ना ही हम इसमें यूज़ करने वाले हैं किसी तरह का कोई एसेंस। बिल्कुल घर में ही यूज़ होने वाली सारी चीज़ें हैं जिससे हमने ये आइसक्रीम बनाई है, और लॉकडाउन के इस टाइम में हम इसको ईज़िली बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बनाना आइसक्रीम। इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 3 पके हुए केले। इसको इस तरह से मैं स्लाइसिस में काट लूँगी। छोटे टुकड़ों में हमें काटना है और इस तरह से हमें प्लेट में अच्छे से फैला लेना है, और ये क्लीन रैप से मैं इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। अगर आपके पास क्लीन रैप ना हो तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो सिल्वर फॉयल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी बॉक्स में इसको अच्छे से फैला कर कवर करके ढक्कन लगा के रख सकते हैं, लेकिन अच्छे से फैला दें जिससे कि वो अच्छे से जम जाए। अब मैं इसको रखूँगी 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में ताकि ये जम जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारे जो केले हैं वो जम गए हैं। अब हम इसको निकाल के देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये इस तरह से केले जम जाने चाहिए। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक चॉपर में। आप चाहे तो मिक्सी के जो छोटे जार होता है ना उसमें भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप मिल्क और घर में निकली हुई 2 चम्मच मलाई। बस इसको अच्छे से हम अब ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इसको ये ध्यान रखना है कि हमें पल्सेस में इसको ग्राइंड करना है, एक साथ नहीं घुमाना है। थोड़ा सा चलाएं फिर रोकें, थोड़ा सा चलाएं फिर रोकें। इस तरह से हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो 2 चम्मच शुगर ऐड कर सकते हैं। ये हो गई है, मैं इसका आपको अभी टेक्स्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना कितनी क्रीमी, जबकि हमने इसमें कोई क्रीम ऐड नहीं किया है। बस ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए अपने आइसक्रीम का। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बॉक्स में जिसमें हमें इसको जमाना है। टैप कर लेंगे अच्छे से, इसको इवनली फैला लेंगे हम, और बस इसको अब अच्छे से कवर कर देंगे या इसके लिड से इसको ढक देंगे। बस अब मैं इसको रखूँगी 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में दोबारा से। आप चाहें तो इसको 3 घंटे के बाद भी निकाल कर खा सकते हैं। बस अब हम सर्व कर लेते हैं अपनी क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और साथ में हेल्दी भी है, कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें हमने एसेंस या क्रीम या कंडेंस मिल्क कुछ भी यूज़ नहीं किया है। देखिए कितने आराम से हमने इसको घर में बना लिया है, बिल्कुल इजी तरीके से। इसको आप बनाएं और घर में सबको खिलाएं और इन्जॉय करें। बहुत बढ़िया आइसक्रीम लगती है, ज़रूर ट्राई करके देखें। ये मैं गार्निश कर लूँगी इसको चॉकलेट सिरप से। आप चाहे तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।